बच्चन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों में सबका मनपसंद गाजर का हलवा। सबसे पहले आप 1 किलो गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लें। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए कम से कम 2 कटोरी चीनी। सबसे पहले एक आयरन की कढ़ाई में अपनी कद्दूकस की गई गाजर को डाल दें। कढ़ाई में गाजर डालने के साथ ही आप चीनी भी डाल दें। चीनी और गाजर को अच्छे से मिक्स कर लें, जैसा कि आप देख रहे हैं। गाजर को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लें और चीनी को भी साथ के साथ मिक्स करते रहें। जब आपकी चीनी मिक्स हो जाए और गाजर भून जाए, इसमें आप देसी घी डालें। देसी घी डालने से आपकी गाजर और अच्छे से भून जाएगी और काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी देगी। अब इसको 4 से 5 मिनट तक और भूनें। जब गाजर अच्छे से भून जाए, फिर आप उसमें 500 से 600 ग्राम के आसपास खोया डालें। खोए को अच्छे से गाजर में मिक्स कर लें। जब आप गाजर में खोया मिक्स कर लेंगे, फिर आप अपनी इच्छा अनुसार सोगी, बादाम और काजू डालें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हलवे को सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाएं। लीजिए, आपका गाजर का हलवा तैयार है। अब आप इसको सर्व करें। इसको ठंडा भी खा सकते हैं, अगर गर्म खाएंगे तो ये और भी लजीज लगेगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल बच्चन किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें।